हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू रियल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लवप्रीत, और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे कैसे इसका यूज कर हैकर वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आज की वीडियो में आपको कमाल की जानकारी मिलने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे रियल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को, और इस बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, इंजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को इंजेक्ट करना। तो जब हैकर किसी वेबसाइट के डाटाबेस में से जानकारी निकालने के लिए कोड को इंजेक्ट करता है तो उसे कहा जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो चलिए जानते हैं एक हैकर एसक्यूएल इंजेक्शन के जरिए वेबसाइट को कैसे हैक करता है। तो दोस्तों, जो एक वेबसाइट होती है उसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो उसका एचटीएमएल कोड पार्ट आ गया, जिसका हमें इंटरफेस दिखाई देता है, और दूसरा होता है डाटाबेस। यहाँ से वेबसाइट का सर्वर डाटा फेच कर हमें शो करता है। जो डाटाबेस होता है वह वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वहाँ पर वेबसाइट का पूरा डाटा सेव किया जाता है टेबल की फॉर्म में। तो आपने एक्सेल तो जरूर ही यूज़ किया होगा। तो दोस्तों, एक्सेल में कुछ टेबल बने होते हैं। यहाँ पर हम रो में कुछ ना कुछ डाटा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट डाटा क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद हम फादर नेम लिखेंगे, उसके बाद उसका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ऐसे हम टेबल की रो में डाटा एंटर करते जाएंगे। तो दोस्तों, डाटाबेस में भी सेम ऐसा ही होता है। उसमें टेबल क्रिएट किए जाते हैं डाटा सेव करने के लिए। तो दोस्तों, सजेस्ट किया जाता है कि इस रो में हम ये डाटा रखेंगे, इस रो में हम ये डाटा रखेंगे। या हम किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हैं तो शायद आपने देखा होगा कुछ इस तरह के लिंक भी वेबसाइट के होते हैं। दोस्तों, वी के पीछे आपको कुछ कोड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट के सर्वर को बताया जाता है कि जिस रो में ये कोड है वहां से डाटा फेच करना है, वहां का डाटा शो करना है। तो हैकर क्या करता है, इस कोड को चेंज करता है। इस कोड को कुछ ऐसा लिख देगा कि वो उसके टेबल में हो ही ना, तो वहां पर एक टेबल एरर शो करेगा। वो कहेगा रॉन्ग क्यूरी, ठीक है। वो वहां पर एक मैसेज शो करेगा जिसमें लिखा होगा रॉन्ग क्यूरी। तो दोस्तों, इस तरह हैकर अलग अलग तरह की क्यूरी को डालता है और वेबसाइट की कमी और लूप होल का पता लगाता है। जब उसे वेबसाइट की कमी या फिर लूप होल का पता चल जाए तो वो एक कोड बनाता है जिसके जरिए जो वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड है उसे चुराया जा सके, उसे डाउनलोड किया जा सके, और उसके बाद वेबसाइट का पूरा कंट्रोल हैकर के पास चला जाता है। वो उस वेबसाइट के साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, तो हैकर को कैसे पता चलता है जो टेबल्स की रो होती है उनमें से कौन सी रो में वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड सेव है। तो दोस्तों, इसका पता लगाने के कई तरीके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दो तरीकों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई है तो दोस्तों हैकर भी एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा और डाटाबेस में जाकर देखेगा कि कौन सी रो में वर्डप्रेस पासवर्ड सेव करता है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बेस्ड है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस आए दिन नया अपडेट निकालता है जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन, मालवेयर अटैक, ऐसे कई अटैक से बचने के लिए अपडेट करता रहता है वर्डप्रेस। दोस्तों, शर्त यह है कि आप वर्डप्रेस के लेटेस्ट वर्जन को यूज करें। जब भी कोई नया अपडेट वर्डप्रेस का आए तो आप साथ ही साथ उसे अपडेट कर लें। लेकिन दोस्तों, अगर आपका वर्डप्रेस पुराना है और आपने अभी तक कभी अपडेट नहीं किया तो दोस्तों आपको खतरा है आपके पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को चुराया जा सकता है। तो दोस्तों, जो दूसरा तरीका है वो है 1x1 टेस्टिंग करना। तो दोस्तों, हैकर क्या करता है, कोड को हर टेबल पर टेस्ट करता है। मान लीजिए आपका पासवर्ड 10th रो में है, ठीक है। तो हैकर क्या करेगा, वो पहली रो से स्टार्ट करेगा और 10वीं रो तक चला जाएगा टेस्ट करते करते, और आखिर में जब उसे पासवर्ड मिल जाएगा तो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी और वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेट यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा उसे। तो इस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज कर वेबसाइट को हैकर्स हैक करते हैं। तो अगर आप एसक्यूएल इंजेक्शन करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कैसे किया जाता है, तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप उस पर टेस्ट कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, क्योंकि दोस्तों इससे कोई आपकी वेबसाइट को खतरा नहीं है, आपका कोई डाटाबेस क्रैश नहीं होगा, कोई वेबसाइट क्रैश नहीं होगी। ये एक टेक्निक है जिसके जरिए आपकी
वेबसाइट की कमियों का पता लगाया जाता है कि आपकी वेबसाइट में कौन सी कमी है जिसके जरिए आप पर अटैक किया जा सके। और इसके अलावा जिनके पास कोई वेबसाइट नहीं है वो लोकल होस्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी इजी PHP का यूज़ करता हूँ वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सॉफ्टवेयर है। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और सुझाव है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। गुड बाय।